सेवाजवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं आपके लिए जरूरी जानकारी लेके आता हूँ। दोस्तों, सीधा बात करते हैं एक नए मुद्दे पर। नया मुद्दा ये है कि हम आजकल जो अलग सोचने लगे हैं, जो दृष्टिकोण हम में आने लगा है, क्या वो ट्राइबल है? लोग चाहते हैं कि वो ट्राइबल की हेल्प करे। बहुत सारे इतिहासकार सामने भी आए, उन्होंने किताबें भी लिखी, लेकिन वो पूरी तरह से इसलिए नहीं सोचेगा, ये बचना चाहिए। लेकिन ट्राइबल आदमी सोचता है कि इस पे घाव होगा तो मुझ पे घाव होगा, फील करता है उस चीज को, और इसीलिए पेड़ों को बचाने में बहुत सारे लोग लगे हैं। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से अंदर से जैसे ट्राइबल कम्युनिटी सोचती है, वैसे अगर हम सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रकृति नहीं बचेगी, ये सिर्फ कागज पे बचेगी। कहने का तात्पर्य यह है, मैं आपको घुमाना नहीं चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कपड़े तो पहन लिए, हमें पता हो गया कि पुरखों के कपड़े ये थे तो हमने पहन लिए, लेकिन पूरी तरह से हम ट्राइबल कब बनेंगे? जब हम वैसे सोचने लगेंगे, जब हम में वो चीज़ें आएंगी। चलिए एक थोड़ा सा किस्सा बताता हूँ। अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को आप जानते होंगे, बहुत बड़ी विचारों की क्रांति उन्होंने वहाँ पे लाई है, और ट्राइबल कस्टम कल्चर को जो उन्होंने बचाने की कोशिश की है, आज पूरी दुनिया उनको मान रही है। एक बार ऐसे मंडेला जी के क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक चले गए थे, वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि चलो बच्चों में कुछ रेस हो जाए। 7-8 बच्चे थे, उनको बोला कि ये जो कटोरी में फल रखे हैं, आप अगर कोई रेस जीत जाता है तो फल उनके। लाइन लगा दी गई और उस लाइन से बच्चों को दौड़ना था, जो जीतेगा उसको कटोरी मिलने वाली थी फलों की। सिंपल सा टास्क था, लेकिन जब सीटी बजी, बच्चों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और सीधे चले गए कटोरी के पास। वैज्ञानिकों ने कहा कि यहां तो रेस ही नहीं हुई है, तो कौन जीता? सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े, यानी सब जीत गए। कटोरी के पास चले गए वो बच्चे, तो एक वैज्ञानिक ने जाके उनको पूछा, आपने रेस में दौड़ा क्यों नहीं, आप सब लोग यहां कैसे आ गए, क्यों आ गए? तब बच्चों ने एक शब्द बोला, बात बोली, वो शब्द था उबुंटू। एक्चुअली इसका अर्थ आप मराठी में, हिंदी में, बाकी भाषाओं में निकालने कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा, लेकिन इस शब्द का अर्थ यह होता है कि मैं से पहले हम। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसको बारीकी से समझते हैं मेरे साथ, इस वीडियो के साथ आप रिलेट कर जाते हैं, थोड़ा सा अंतर्मन में झांकते हैं तो आपको समझ में आएगा। मैं से पहले हम, यह उबुंटू है। और इसलिए संविधान सभा में भी जब जयपाल सिंह जी मुंडा बोल रहे थे, तब उन्होंने ये बात भी वहाँ पे कही थी, आप लोग एक दूसरे के बारे में, अकेले के बारे में सोच सकते हो, वो आपका माइंडसेट है, आपको वैसे ही पढ़ाया गया, वैसे ही सिखाया गया, लेकिन इस देश का ट्राइबल मनुष्य अकेले नहीं सोचता, वो कम्युनिटी के साथ सोचता है। और इसीलिए संगठन, एकजुटता अगर कहाँ से आपको सीखनी है तो वो आप ट्राइबल कम्युनिटी से सीख सकते हैं। ये शब्द थे जयपाल सिंह जी मुंडा के। ट्राइबल विचारधारा ये कहती है कि हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चलो। ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल के दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जितने भी राज्य में घूम रहा हूँ, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, एक निगेटिव चीज़ भी हैं, ये थोड़ी सी आपको मैं बताता हूँ। गांव में जाइए या शहरों में जाइए, आपको 2-3 प्रकार के संगठन नजर आते हैं। वो भी कुपरलिंगों का फोटो लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, वो भी बाबूराव शर्मा के जी को मानते हैं, वो भी, सब लोग अपने अपने तरफ से, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी समाज क्षेत्र में। लेकिन वो दो संगठन जो उसी गांव में, उसी शहर में रहते हैं, इन दो संगठनों का आपस में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमने उबुंटू जो दृष्टिकोण है, वो जो पुरखों का दिया हुआ था, उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये वाली पार्टी उस पार्टी को बोलती है पैसे खाती है, वो वाली पार्टी उस पार्टी को बोलती है पैसे खाती है, पैसे खाती है, या फिर कोई और मतभेद हो जाता है। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें उबुंटू से सॉल्व हो सकती है। जब मैं के पहले हम आने लगेगा, जब आपके सामने कोई चीज़ है, जब आपके सामने कुछ अवसर है, और जब आप ये सोचेंगे मैं तो कर लूँगा, मेरा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे साथ जो खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सगा समाज है, इनको कैसे मैं सामने लाऊं? जिस दिन ये आदमी सोचने लगेगा, ये सभी दरारें भर जाएगी। जिस दिन ये
पॉजिटिव थिंकिंग हम लाने लगेंगे ना, सब दरारें जो भी आज छोटी बड़ी दरारें पड़ी हैं, छोटी बड़ी पार्टियां हो गई है, संगठन हो गए हैं, ये सब एक जगह हो जाएंगे। और सोचिए इंडिया में इतने ज़्यादा ट्राइबल है और इनके सभी के संगठन अगर एक जगह आते और बुलंद आवाज़ करते तो क्या हो सकेगा, पूरी सरकार पलट सकती है। इतना दम हम रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये जो दृष्टिकोण है जो पुरखों ने दिया है, सब मिल के करना है, सब मिल के खाना है, किसी के एक का नहीं है, हम सब का है। किसी एक पे अन्याय होना ही नहीं चाहिए, समानतावाद सब पे अप्लाई होना चाहिए। ये जो पुरखों की देन है ये हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, और इसलिए हमें छोटी छोटी संगठनों में दरारें नजर आती है। देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी का भेदभाव कर रहा है, जाहिर तो नहीं कर रहा है लेकिन अंदर से भेदभाव कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो जो पुरखों का दिया हुआ ज्ञान है ना, वो हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनका दृष्टिकोण नहीं ला पा रहे। और इसलिए मैं सभी सगाजनों को विनंती करता हूँ, ये उबुंटू जो है ये 3 अक्षरी शब्द है, उबुंटू अफ्रीकन शब्द है, जिसको ये शब्द को लेकर नेल्सन मंडेला जी ने भी बहुत कुछ वहाँ पे कहा है। इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, आप जाइए गूगल पे सर्च करिए उबुंटू क्या चीज़ है, उसके बारे में बहुत सारे लेखकों ने वहाँ पे लिख रखा है। और आज इंडिया में भी उबुंटू की शिक्षा प्रणाली आ रही है, कुछ कुछ मेरे ख्याल से कॉन्वेंट और स्कूलों में इसको अप्लाई किया गया है। उबुंटू शिक्षा पद्धति सिमिलर गोटुल पद्धति है। ये शिक्षा पद्धति वो है क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि अफ्रीका का जो व्यक्ति है वो यहाँ के प्राचीन प्रोटो द्रविडियन ट्राइबल से ताल्लुक रखता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। और यहाँ वहाँ पे मंडेला है अफ्रीका में, तो यहाँ पे हमारे मंडाली है, बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, चेहरों में सिमिलैरिटी है, उनके कल्चर में सिमिलैरिटी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। और जैसे कि अगर हम वैज्ञानिकों की थ्योरी की माने तो ये जो धरती है ये खिसकती रहती है, तो हो सकता है ये कभी जुड़े हो और फिर एक दूसरे से अलग हो गए हो। कल्चर कस्टम सेम है, 99% सेम है। उबुंटू हमें बच्चों की शिक्षा में तो अप्लाई करना है क्योंकि आ रही है वो प्रणाली, आ रही है, बच्चे भी सीख रहे हैं। उबुंटू यानी वो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दिया जाता है, खेल कूद में शिक्षा सिखाई जाती है, यही गोटुलों में होता था और आज भी हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये जो सोच है मैं के पहले हम, मैं मेरी फिक्र करने से पहले हमारी फिक्र अगर करने लगूं तो शायद परिवर्तन आ सकता है। कोई बच्चा है जो पुणे में सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति है जो ये देख के कुछ महसूस करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो ना आप एकांत में ज़्यादा देखिए, और हो सके तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो अपने दिल से रिलेट करते जाइए। कुछ बातें यहाँ तक अगर आपकी पहुँचती है तो वो कायम हमेशा के लिए वहाँ रह जाएगी। कुछ अच्छी बातें सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये दृष्टिकोण नहीं आएगा तो हम आने वाले लाखों साल आंदोलन करते रहे, कुछ नहीं बदलने वाला। हम आने वाले लाखों साल तक भी अगर आंदोलन करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, जब तक कि हमारा नज़रिया नहीं बदल जाता। तो इसीलिए ये जो उबुंटू है, ये उबुंटू सिर्फ अफ्रीका का नहीं है, दुनिया भर में जहाँ पे भी ट्राइबल है सभी में आपको वो अप्लाई होते हुए नज़र आएगा। यही उबुंटू है जो हसदेव बचाने की कोशिश कर रहा है, यही उबुंटू है जिन जिन लोगों ने इस पद्धति को समझा है कि मैं के पहले हम आता है, वो आज भी सक्रिय है और समाज के लिए काम कर रहा है। मैं करता हूँ कि इस उबुंटू वर्ड के बारे में आप और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए। इसका फुल डिटेल उबुंटू यानी होता क्या है, इसके क्या कार्य प्रणाली होती है, क्या नियम कानून होते हैं और कैसे हम अपने प्राकृतिक पुरखों में, उनके विचारधारा में, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तित हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करिए। अगर आपको इंटरेस्ट दिखता है बहुत सारे लोगों को तो इस उबुंटू पर वीडियो बनाया जाएगा फुल डिटेल से। आपको आज हाईलाइट इसलिए मिल रहा है क्योंकि दृष्टिकोण बदलने में ये उबुंटू ही ज़रूरी है। आज आप देख रहे होंगे, आपके आसपास भी उदाहरण होंगे, एक अमीर, बहुत अमीर व्यक्ति था कुछ साल पहले, लेकिन वो अभी उसका समय बदल गया है, कुछ लोग थे उनका घमंड की वजह से सब चला गया है। ये जो घमंड चीज़ कब आती है, जब हम के पहले मैं आ जाता है, और तब से हम ये घमंड को पालने लगते हैं, ये घमंड साथ में रहता है और हमारी बर्बादी करते जाता है।
तो इसी को दूर रखने के लिए हमारे पुरखों ने कहा था कि तेरा जो नेंग है, तेरी जो परंपरा है, तेरे घर में कोई भी तू त्यौहार करेगा, कितना भी बलशाली हो, तेरे पास कितना पैसा हो, तेरा सोराल जब तक आएगा नहीं, तू सोराल को सम्मान से बुलाएगा नहीं और बिठाएगा नहीं, तो तेरा एक भी नेंग नहीं होगा। ये क्या है? ये हमारे पुरखों ने नियम क्यों बना के दिया? ताकि हमारे पैर जमीन पर रहे, ताकि हम कितने भी पैसे वाले हो या कितने भी गरीब हो, हम एक दूसरे का सम्मान करें। वो आपका सोयराल है तो आएगा, बैठेगा, आपके परंपरा में हाथ बटाएगा। उस सोयराल के घर में प्रोग्राम होगा तो वो आपको सम्मान से बुलाएगा। ये सर्कल चलते रहेगा, मान सम्मान चलते रहेगा, और मैं के पहले हम आएगा। यही चीज है, और इसी को समझना है तो आप थोड़ा सा उबुंटू को समझिए। बहुत बढ़िया वर्ड है। इसमें मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक मराठी मूवी भी कुछ साल पहले आ चुकी है और बहुत सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस उबुंटू अभ्यास प्रणाली और शिक्षा प्रणाली को पूरे देश भर में लागू किया जाए, और लागू अगर किया जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए जैसे अफ्रीका में है या जैसे उसकी प्रणाली है, उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। नहीं तो लागू कर दिए और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए तो कुछ फ़ायदा नहीं। इंडिया भर में बहुत सारे क्षेत्रों में पेशा कायदा, पेशा कानून लागू है, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में, लेकिन अमल कहीं नहीं है। बच्चे जाके पूछते हैं उनको तो वो बोलते हैं हमारे पास निधि नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। संविधान के कारण लागू तो है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा अगर होता है तो कुछ भी नियम आके भी कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए हम सबको मैं से पहले हम बनना पड़ेगा और तब जाके हमारी जंग हम जीत सकते हैं। दोस्तों पता नहीं मैंने वीडियो कहाँ से शुरू किया और एंड कहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन ये उबुंटू मुझे याद आया। जैसे मुझे याद आया मैंने कैमरा शुरू किया और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ अच्छी बातें होती है भूलने से पहले आपको बता दें तो अच्छा रहता है। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं तो हमेशा बताता नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो आप करेंगे ही, वो तो पता है। नहीं पसंद आता है तो मत करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं शांति से सुनिए, हर वीडियो को शांति से सुनिए, क्योंकि आजकल मैं बहुत गहरे भाव में जा रहा हूँ, मेरे वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन जब भी मैं सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ तो वो आगे आ रहा है। तो चैनल पे बने रहिए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। सिर्फ एक है कि मेरे वीडियो को देखने के लिए जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में मेरा वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। शांति से देखिए, इत्मीनान से देखिए, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हमारी ई बुक्स किताब भी कुछ अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी किताब है जिसको जाके आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चैनल को कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो डोनेशन की लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिस चैनल पर जाके आप कुछ चैनल को सहयोग कर सकते हैं। ये आप पीछे थोड़ा सा देख रहे हैं, ये स्टूडियो का ही एरिया है, और ज़्यादा सुशोभित करना है और बहुत ज़्यादा कुछ काम करना है यहाँ पर, और जब ये पूरा बन जाता है तो इसका भी वीडियो आपको आ जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय दिवसी, जय गुणवाना, जय भीम।